हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनर एडवांस एजुकेशन। आई एम मोहित धवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 7। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। इसी टॉपिक पे एक वीडियो पहले बन चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो में हमने बात करी कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वन वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन और उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1:2/3 माइनस एक्स माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3x+1/15। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में, पहले ये मिक्सड फ्रैक्शन के फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम वो ले लेते हैं वेरिएबल वाले, और आर एच राइट हैंड साइड पे तो हम नंबर ले लेते हैं जो कॉन्स्टेंट होते हैं, जिनके साथ एक्स वाई वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी है, किसी भी साइड हम कोई से भी ले सकते हैं, जो उन्हें कि राइट हैंड साइड पर हमेशा ही कॉन्स्टेंट वाले नंबर लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें दिख रहा था भाई एक तो x वाला पोर्शन ये है, एक x वाला पोर्शन ये है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा फिर इसे वहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5/3 एज इट इज़ लिख लिया, ये x वाला पोर्शन है, ये x वाले के पास जाएगा, भाई दोस्त आपस में एक दूसरे के पास चले जाते हैं, तो ये माइनस x है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाला, प्लस x − 2/5। भाई x − 2/5 के बाहर पहले माइनस था, तो जब वो राइट हैंड साइड पर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। राइट हैंड साइड पे क्यों भेजा, क्योंकि वेरिएबल वाले हमने एक साथ कर लिए, तो 5/3 एज इट इज़, और ये वहाँ पहुँच के क्या हो गया, प्लस। अब क्या करना है, बीच दो टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस होता है तो हम उसका एलसीएम लेके ही सोल्व करते हैं। तो 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 ही आएगा, 15 × 15 वन टाइम, तो 3x+1 एज इट इज़ आ गया, चाहे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही बात है, प्लस का प्लस, 5 × 15 3 टाइम। अब 5 × 15 आया 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई x में और 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 में 3 × 2 = 6, तो 5/3 का 5/3 आ जाएगा, इक्वल का इक्वल लगा लेंगे, 3x और 3x कितने हो गए, 6x, और −6 + 1 तो कितना हो गया, −5, माइनस प्लस माइनस, और 6 से बड़ा है, 6 क्या गया माइनस है, तो यहाँ पे क्या आया है, माइनस, अपॉन में क्या आ जाएगा, 15। अब अगर इक्वल के दोनों साइड एक ही टर्म होती है, भाई इक्वल के यहाँ पे भी एक ही टर्म है, इक्वल के यहाँ पे भी एक ही टर्म है, तो इस टाइप में हम जो है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, 3 और 15 दोनों 3 के टर्म में आते हैं, 3 × 1 = 3 and 3 × 5 = 15। दो इक्वल के दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ एक एक टर्म ही है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो गए, अब करने क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें सीखनी है, कि सीख चुके हैं कि कैसे कैसे करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप पहले पिछली वाली वीडियो को एक बार देख लेना। तो 5 × 5 = 5 में 5 × 5 = 25, 1 × 6x − 5 में तो 6x − 5, ये −5 है, भाई यहाँ तो x है नहीं, यहाँ तो x वाले रहेंगे, तो −5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +5 = 6x, 25 × 5 कितना होगा, 30, और यहाँ पे क्या है, 6x, 6 कहाँ आ जाएगा, 30 के डिनोमिनेटर में, और 6 के टाइम में 30 आता है 5 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़े भी है, और ऐसा लगेगा बहुत टफ है, पर टफ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, फिर कुछ टफ नहीं है, हमें तो उस तरीके से ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 की मल्टीप्लाई एक्स में, 1/8 की मल्टीप्लाई 2 में, 1/7 की मल्टीप्लाई एक्स में, 1/7 की मल्टीप्लाई 4 में, 1/12 की मल्टीप्लाई 2x में, 1/12 की मल्टीप्लाई 3 में, और ये हमारा लास्ट में एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1 की x में करेंगे तो x 8, 1 की 2 में करेंगे तो 2 × 8, नीचे 8 तो आएगा यहाँ पर, माइनस का माइनस, 1 की x में करेंगे x/4 में क्या जाएगा, 7, 1 की 4 में करेंगे 4/4 में क्या जाएगा, 7, यहाँ पे माइनस था तो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि −1/7 था, इसकी मल्टीप्लाई −4 में ही करिए, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, इक्वल का इक्वल लगा लिया, तो 1/12 की मल्टीप्लाई 2x में, तो 1 के 2 में 1 × 2 = 2, 2x/4 में क्या जाएगा, 12, 1 की 3 में 1 × 3 = 3/4 में क्या जाएगा, 12, और 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11/4।
अब 2 और 8, 2 1 2 2 4 8 कैंसिल कर लिए, 2 एंड 12, 2 1 2 2 6 12, 3 एंड 12, 3 1 3 एंड 3 4 12। अब क्या करेंगे LHS पे, लेफ्ट हैंड साइड हम खाली एक्स वाई नंबर को ही लिखेंगे और बाकी सब वहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पर है, इक्वल के जो इधर है वो लेफ्ट, सब ये सब लेफ्ट हैंड साइड हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेफ्ट हैंड साइड है, और फिर इक्वल के इस साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की ये राइट हैंड साइड है। तो एक्स अपॉन 8, एक्स अपॉन 7 ये तो पहले से यहाँ पर है। अब ये जो एक्स अपॉन 6 ये भाई इक्वल के राइट हैंड साइड पर जब यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 6। अब इधर तो हमारे नंबर वाले ही रहने चाहिए, जो सिंपल फ्रैक्शन में गिवन हमें 1/4 का 1/4, 11/4 का 11/4। अब ये देखेंगे यहाँ पे था हमारा 1/4, -1/4 था वहाँ जाएगा तो +1/4 हो जाएगा, +4/7 वहाँ जाएगा तो -4/7। 1/4 पॉजिटिव, 1/4 नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म्स के बीच में माइनस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 1, 8, 7 और 6 इनका एलसीएम आएगा 168। 8 के टेबल में 168 कितने टाइम्स आएगा हमारे, 21 टाइम, तो 21 की मल्टीप्लाई एक्स में 21x, माइनस का माइनस। और 7 के टेबल में 168 कितनी बार, 24 टाइम, तो 24 की मल्टीप्लाई एक्स में 24x। 6 के टेबल में 168 कितने टाइम्स, 28 टाइम्स, तो 28 की मल्टीप्लाई एक्स में 28x। यहाँ कितना बचा है हमारा, -11/4 और -4/7, तो 4 और 7 का एलसीएम 28। 4 के टाइम में 28, 7 बार 11, 7 जो 77, 7 के टाइम में 28, 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में 4 जो 16, 21x ऐसे ही आ गया। -24 और -28, x कितना होगा -52, अपोन में 168 है ही, -77, -16, -93, अपोन में क्या है 28, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन माइनस का ही आएगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सबट्रैक्ट करेंगे, 52 में से 21 गए, -31 एक्स अपॉन 168 इज इक्वल टू -93 अपॉन 28। अब 168 पहुंच जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई और 31 की मल्टीप्लाई 28 में, 168 की तो 93 में और 31 की मल्टीप्लाई 28 में। अब यहां से कैंसिल करा, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 3 93, 28 6 168, और 6 और 3 की मल्टीप्लाई 6 3 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम थे की तरह, आपको खुद ट्राई कर लें। 1/(x-1) +1/(x-4) इज इक्वल टू 2/(x-3)। अब हम चाहे तो ये x वाले को यहाँ ला सकते हैं, यहाँ 0 बचेगा, मर्जी है, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई हमारे एलसीएम लेने में फिर हमें दिक्कत आएगी, फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो x-1 और x-4 इन दोनों का एलसीएम सेम ही आ जाएगा, x-1 और x-4। x-1 से x-1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा है x-4, x-4 की मल्टीप्लाई 1 में x-4। अब यहाँ देखेंगे x-4 से x-4 कैंसिल, क्या बचा इस बार x-1 की मल्टीप्लाई 1 में x-1 इज इक्वल का, ये तो हमारा एज इट इज़ आ गया 2/(x-3)। x और x कितने हो गए 2x, -4 एंड -1 -5। अब डिनोमिनेटर में इसे हम सोल्व कर लेंगे, x बाहर x-4 एज इट इज़, -1 बाहर x-4 एज इट इज़, बाकी तो सेम आ ही रहा है। अभी x की मल्टीप्लाई x में x2, x की मल्टीप्लाई 4 में 4x, 1 की मल्टीप्लाई x में 1x, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 1 4। यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि -4 था और बाहर -1 था, तो -+। ये हमारा 2/(x-3) एज इट इज़ आ गया। तो 2x-5/(x2) -4x -x -5x+4 =2/(x-3)। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भाई इक्वल के दोनों साइड एक एक टर्म ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2x-5 की मल्टीप्लाई x-3 में, और 2 की मल्टीप्लाई x2 -5x+4 में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर से 2x बाहर x-3 एज इट इज़, -5 बाहर x-3 एज इट इज़, इक्वल का इक्वल, 2 की मल्टीप्लाई x2 में 2x2, 2 की मल्टीप्लाई 5 में 2 5 10x, 2 की मल्टीप्लाई 4 में 2 4 8। अब 2x की x में 2x2, 2x की मल्टीप्लाई 3 में 2 3 6x, -5 की मल्टीप्लाई x में -5x, और -5 की 3 में 5 3 15, -5 की मल्टीप्लाई -3 में करिए तो --+15, इक्वल का इक्वल 2x2 -10x+8। भाई इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2x2, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी 2x2, दोनों कैंसिल हो गए।
माइनस सिक्स एक्स, माइनस फाइव एक्स तो माइनस इलेवन एक्स, और माइनस टेन एक्स यहाँ आएंगे तो प्लस टेन एक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे एट तो एज इट इज़, अब प्लस फिफ्टीन वहाँ जाएंगे तो माइनस फिफ्टीन हो जाएंगे। एक्स वाले एक तरफ कर लिए और जो सिंपल नंबर वाले थे वो एक तरफ कर लिए, माइनस इलेवन एक्स और प्लस टेन, तो माइनस प्लस माइनस और इलेवन में से टेन गए तो कितना बचेगा वन एक्स। वन लिखो मत लिखो मर्जी है, इलेवन बड़ा है, इलेवन क्या माइनस है तो माइनस आ गया। ऐसे ही एट में से फिफ्टीन जाएंगे तो माइनस सेवन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सेवन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन फोर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये सबसे पहले प्लस टू है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू। वहाँ क्यों भेज दे, क्योंकि यहाँ पे एक्स था ही नहीं इसके साथ, तो एक्स वाले एक साइड कर लेते हैं और विदाउट एक्स वाले एक साइड कर लिए हमने। तो ये कितना हो गया थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे भाई। फोर एंड वन का एलसीएम कितना आएगा फोर। हमें पता है कि अगर दो टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस होता है तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। अपॉन में कुछ नहीं है वन मानेंगे, वन एंड फोर का एलसीएम आएगा फोर, वन के टेन में फोर, फोर टाइम फोर की मल्टीप्लाई एक्स में फोर एक्स माइनस वन माइनस एक्स, क्योंकि फोर के टेन में फोर वन टाइम वन की वन में करोगे एक्स और वन की एक्स में करोगे तो एक्स ही आएगा। तो इस माइनस की वजह से वन माइनस का हो गया, इस माइनस की वजह से एक्स भी क्या हो गया माइनस का इज इक्वल टू माइनस टू। थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू एज इट इज़ माइनस का माइनस, फोर एक्स में से एक्स गए थ्री एक्स माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस टू हमारा है ही। तो थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस का माइनस, थ्री की मल्टीप्लाई थ्री में थ्री, थ्री जा नाइन एक्स, थ्री की मल्टीप्लाई वन में थ्री, वन जा थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस टू। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है माइनस है। अब यहाँ पे आप इस माइनस को प्लस मत कर देना, क्योंकि कहो कि माइनस माइनस प्लस, हमने बस थ्री की मल्टीप्लाई करी माइनस को कुछ नहीं करा, बस खाली थ्री की मल्टीप्लाई थ्री में हुई थ्री, थ्री जो नाइन, बस थ्री की मल्टीप्लाई वन में हुई थ्री, वन जो थ्री माइनस है तो माइनस आ गया। तो टू एंड फोर का एलसीएम आया फोर, टू के टेल में फोर टू टाइम, तो टू की मल्टीप्लाई थ्री एक्स में भी और वन में भी, तो टू थ्री जो सिक्स एंड टू वन जो टू माइनस का माइनस, फोर के टेल में फोर वन टाइम, वन की मल्टीप्लाई नाइन एक्स में नाइन एक्स, तो वन की मल्टीप्लाई थ्री में वन थ्री जा थ्री। अब इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया इज इक्वल टू माइनस टू। सिक्स एक्स में से नाइन एक्स गए भाई, सिक्स में से नाइन गए तो माइनस थ्री, माइनस थ्री क्यों क्या है, क्योंकि नाइन बड़ा है, नाइन क्या क्या माइनस है इसलिए माइनस थ्री, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। माइनस टू प्लस थ्री प्लस माइनस माइनस, थ्री में से टू गए कितना आएगा वन अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस टू। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस थ्री एक्स प्लस वन एज इट इज़ एंड फोर टू जो कितना होगा एट, यहाँ पे माइनस टू था तो इसलिए कितना आ गया माइनस एट। प्लस वन वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस वन के, प्लस वन हमारे राइट हैंड साइड गए तो माइनस वन हो गए, माइनस एट एंड माइनस वन कितना हो गए माइनस नाइन, और यहाँ पे कितना था माइनस थ्री। अब ये माइनस थ्री एक्स भाई, एक्स और माइनस थ्री के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, तो माइनस थ्री कहाँ पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस नाइन के अपॉन में पहुँच गया माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल और थ्री के टाइम में नाइन आता है थ्री टाइम, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है एक्स माइनस इंटू थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव अपॉन टेन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स टू एक्स माइनस फिफ्टी सेवन माइनस फाइव अपॉन थ्री। इसको सॉल्व करना है, पहले बोर्ड मास के रूल से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या आएगा वन, टेन एंड वन का एलसीएम टेन आ जाएगा, वन के टाइम में टेन टेन टाइम और टेन की मल्टीप्लाई थ्री में टेन थ्री जा थर्टी एक्स माइनस का माइनस, यहाँ पर टेन था ही तो माइनस टू एक्स प्लस फाइव, इस माइनस की वजह से ये टू एक्स हो गया माइनस का, इस माइनस की वजह से फाइव हो गया प्लस का इज इक्वल टू टू वन अपॉन सिक्स की मल्टीप्लाई टू एक्स में, वन अपॉन सिक्स की मल्टीप्लाई फिफ्टी सेवन में, वन की मल्टीप्लाई टू में वन टू ज़ा टू एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा सिक्स, ऐसे ही वन की मल्टीप्लाई फिफ्टी सेवन में फिफ्टी सेवन अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स और माइनस फाइव अपॉन थ्री तो हमारा है ही। अब क्या करेंगे एक्स माइनस थर्टी में से टू गए ट्वेंटी एट एक्स प्लस फाइव अपॉन टेन, यहाँ पे टू और सिक्स टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स वन अपॉन थ्री माइनस फिफ्टी सेवन अपॉन सिक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम आएगा सिक्स, थ्री के टाइम में सिक्स टू बार तो टू की मल्टीप्लाई एक्स में टू एक्स माइनस का माइनस, सिक्स के टाइम में सिक्स वन टाइम फिफ्टी सेवन वन जो फिफ्टी सेवन माइनस का माइनस, थ्री के टाइम में सिक्स टू टाइम फाइव टू जो टेन, तो यहाँ पे x माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस फाइव अपॉन टेन एज इट इज़ आ गया। अब इनके बीच में भी माइनस है तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है वन मान लेंगे, वन एंड टेन का एलसीएम टेन आएगा, वन के टेबल में टेन टेन टाइम्स तो टेन की मल्टीप्लाई x में टेन एक्स माइनस, इस माइनस की वजह से ट्वेंटी एट हो गए माइनस के और फाइव भी हो गए माइनस के, इक्वल का इक्वल
2x 57 में से 10 गए, माइनस 57 और माइनस 10, तो माइनस 67 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ तो हमने एलसीएम ले लिया था, एलसीएम 6 आया था, 3 के टाइम में 6 टू टाइम, तो 2 की मल्टीप्लाई एक्स में 2x आ गया था, माइनस का माइनस, 6 के टाइम में 6 वन टाइम, 57 के मल्टीप्लाई 1 में 57 बन जाए 57, 3 के टाइम में 6 टू टाइम, 2 5 जो 10। अब माइनस 57 और माइनस 10 कितने हो जाएंगे, माइनस 67, माइनस यहाँ पे प्लस 10 माइनस 28, प्लस 10x माइनस 20x, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 18 बचेंगे, माइनस 5 अपॉन 10, 2x माइनस 67 अपॉन 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई 18 में, 18 6 जा 108x, 6 की मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 जा 30, इक्वल का इक्वल, 10 की मल्टीप्लाई 2 में, 10 2 जा 20x, 10 की मल्टीप्लाई 67 में, माइनस 670। x वाले एक साइड ले जाएंगे, माइनस 108 ऐसे ही आ गया, प्लस 20x यहाँ आएंगे तो माइनस 20x, इक्वल का इक्वल, माइनस 670 माइनस 30 यहाँ आएंगे तो प्लस 30 हो गए। अब माइनस 670 प्लस 30, माइनस प्लस माइनस, तो 640 बच गए, और यहाँ पे माइनस 108 और माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 128, माइनस से माइनस कैंसिल, 128 पहुँच जाएगा अपॉन में, 640 को 128 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यह है एक्स माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल एक्स अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 6 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 8। इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले एक्स माइनस 3 अपॉन 7 ये तो एज इट इज आ गया, माइनस का माइनस, इधर एलसीएम लेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, 2n1 का एलसीएम आएगा 2, 2 के टेबल में 2 वन टाइम, तो ऊपर तो x का x आ गया, माइनस का माइनस, 1 के टेबल में 2 टू टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 2 थ्री जा 6 अपॉन में 3, तो ये हमारा एज इट इज आ गया, इक्वल का इक्वल, ऐसे ही सेम 6 और 1 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 के टेबल में 6 वन टाइम, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस का प्लस, 1 के टेबल में 6 6 टाइम और 6 टू जा 12, और अपॉन में ये जो 2 है ये एज इट इज आ गया, माइनस का माइनस, x अपॉन 6 का x माइनस 6 अपॉन 3 एज इट इज प्लस x अपॉन 8। तो x माइनस 3 अपॉन 7 एज इट इज़, माइनस का माइनस, x माइनस 6 और 2 3 जा 6, तो अपॉन में क्या हो गया 6, इक्वल का इक्वल, ऐसे ही सेम x प्लस 12 और अपॉन में 6 2 जा 12, माइनस का माइनस 3 x माइनस 6 अपॉन 3 प्लस x अपॉन 8। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, 7 और 6 का एलसीएम 42, 7 के टाइम में 42 6 टाइम, तो 6 की मल्टीप्लाई x में 6x और 6 की मल्टीप्लाई 3 में 6 3 जा 18, 6 के टाइम में 42 7 टाइम, 7 की मल्टीप्लाई x में 7x, 7 की मल्टीप्लाई 6 में 7 6 जा 42, इस माइनस की वजह से x हो गया माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 से पहले प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही सेम यहाँ पे 12 3 और 8 का एलसीएम 24, 12 के टाइम में 24 2 टाइम, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई x में 2x और 2 की मल्टीप्लाई 12 में 12 2 जा 24, माइनस का माइनस, 3 के टर्म में 24 8 बार, तो 8 की मल्टीप्लाई एक्स में 8x और 8 की मल्टीप्लाई 6 में 8 6 जा 48, तो ये x तो हो गया माइनस का और 6 हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 48 और माइनस 8 आएंगे, 8 के टर्म में 24 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई एक्स में 3x, 6x में से 7x गए तो माइनस x, माइनस 18 प्लस 42 माइनस प्लस माइनस, तो 42 में से 18 गए तो 24 अपॉन 42 इक्वल का इक्वल, 2x 8x और 3x, तो 2x और 3x 5x, 5x में से 8x गए तो माइनस 3x, 42 एंड 24 कितने हो गए 72 अपॉन 24। अब देखो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी एक एक टर्म है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने किससे काटा, 6 4 जा 24 और 6 7 जा 42, 6 से दोनों को कैंसिल कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई x में, 4 की मल्टीप्लाई 24 में, 7 की मल्टीप्लाई 3x में और 7 की मल्टीप्लाई 72 में, 4 की x में 4x, 24 4 जा 96, 7 की मल्टीप्लाई 3 में 7 3 जा 21x और 7 की मल्टीप्लाई 72 में 504, माइनस 21 इधर आएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा और प्लस 96 वहाँ जाएंगे तो माइनस 900 माइनस 96 हो जाएंगे, तो माइनस 4x प्लस 21x, तो माइनस प्लस माइनस, 21 में से 4 गए तो 17x इक्वल का इक्वल, 504 में से जब 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 408 और 408 17 पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 408 को 17 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट,
23 × 0.25 × x − 3 + 0.3x = 2। तो 23 और 0.25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.75 x − 3 एज इट इज़ प्लस 0.3x एज इट इज़ इक्वल टू भी हमारा एज इट इज़, बाकी सब सेम आया। अब 5.75 की मल्टीप्लाई x में तो 5.75x, फिर 5.75 के मल्टीप्लाई 3 में तो 17.25 प्लस 0.3x एज इट इज़ इक्वल का इक्वल एंड 2 का 2। अब माइनस 17.25 है, जब वहाँ जाएंगे तो क्या हो गया, प्लस 17.25। एंड 5.75 में जब हम ऐड करेंगे 0.3x तो आएगा 6.05x इक्वल का इक्वल 2 का 2 एंड 17.25, तो वहाँ जाके प्लस के हमारे हो गए। तो 6.05x इक्वल 17 × 19 19.25 होगा यहाँ पे। अब जो x के साथ में 6.05 है वो अपॉन में पहुँच गया, यहाँ पे 2 नंबर क्या क्या डेसिमल, यहाँ पे 2 नंबर क्या क्या डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। तो 1925 हमारे न्यूमिनेटर में और 605 डिनोमिनेटर में, 1925 को 605 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.18। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.5 × x − 2 प्लस 0.7 × x − 3 प्लस 0.75 = 0.6x − 1/4। तो 0.5 की मल्टीप्लाई x में 0.5x, 0.5 की मल्टीप्लाई 2 में 1 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है, हाफ का डबल कितना हो जाएगा 1। 0.7 की मल्टीप्लाई x में 0.7x, 0.7 की मल्टीप्लाई 3 में 2.1 प्लस 0.75 एज इट इज़, और 0.6x − 1/4 ये तो हमारा सेम ऐसे ही आ गया। अब 0.5x और 0.7x दोनों को प्लस कर लिए तो 1.2x माइनस 1 एंड −2.1 ये हमारे कितने हो जाएंगे, और प्लस देखेंगे यहाँ पे −2.1 एंड −1 तो −3.1 हो गए। −3.1 में से 0.75 को सेपरेट कर लेंगे तो −2.35 इक्वल का इक्वल 0.6x − 1/4, ये तो एज इट इज ही आ रहा है हमारा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 1.2x में, 4 की मल्टीप्लाई 2.35 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई जब 1.2x में करी तो 4.8x माइनस का माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 2.35 में करी तो आगे 9.4 इक्वल का इक्वल 0.6x − 1। x वाले लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और नंबर वाले राइट हैंड साइड पर, तो 0.6x वहाँ जाएंगे तो −0.6x हो जाएंगे, −9.4 राइट हैंड साइड में आएंगे तो +9.4। 4.8x में से 0.6x को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 4.2x, इसे सोच लो कि ये 48 है, इसे मान लो ये 6 है, 48 में 6 गए तो 42, तो 4.2x ऐसे ही। 9.4 में से 1 गए तो 8.4, 8.4 के नीचे क्या जाएगा 4.2, डिनोमिनेटर में आ गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एंड 42 × 2 = 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।